हेलो चिल्ड्रन आज हम अपना चैप्टर इलेवन कंटिन्यू करेंगे वी सी वी सो पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर इन आर प्रीवियस वीडियो टुडे वी विल टू पार्ट बी सो प्रीवियस वीडियो वी रेड अबाउट द डिफरेंट फोक आर्ट मधुबनी आर्ट एंड द फ्लावर वैली इन उत्तरांचल नाउ टुडे we will learn about some different flowers. okay name of that flowers. here are some picture of flowers. mark or tick on the flowers which you recognize. write their name too if you know. ठीक है यहाँ पे कुछ flowers हैं आपको उन्हें पहचानना है और mark करना है अगर आप उन्हें जानते हैं तो उसको tick mark करिएगा. see the first one. which flower is this? this is hibiscus. if you know this then tick mark then next one rose then sunflower then marigold and this is champa flower okay this flower name champa and um, this is periwinkle i think so periwinkle this is tulsi this is again jasmine or mogra this flower also called mogra and this is i think white rose so write their name in the blank सो so, देखिए इस तरीके से आप नाम लिखेंगे जैसे फर्स्ट है हिबिस्कस रोज़ सनफ्लावर मैरीगोल्ड चंपा तुलसी एंड जैसमिन ओके okay. ये पेरीविंकल आफ्टर चंपा एंड वाइट रोज़ ये आप लिख लीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर थोड़ा सा कि ये पेरीविंकल है या फिर ये वाइट रोज़ है मैंने ये सारे फ्लावर्स देखे हुए हैं तो इन्हें मैं टिक मार्क कर दूंगी तो सो डियर ये फ्लावर्स मैंने भी देखे हैं और आपने अगर इन दो को भी देखा है तो आप टिक मार्क कर लीजिएगा लिख लीजिएगा ओके okay, अब हम देखेंगे इसके बाद कि फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबाउ द एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम ऑफ टू विच ये फ्लावर्स जो हमने दिखाए आपको तो उनसे रिलेटेड उन फ्लावर्स और डिफरेंट फ्लावर्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो आपको ब्लैंक में लिखना है जैसे ग्रो ऑन ट्री कौन से फ्लावर ट्री पे ग्रो करते हैं तो उनके नेम लिखने हैं अगर इनमें से कोई है तो वो भी आप लिख सकते हैं और दूसरा कोई है तो वो भी लिख सकते हैं ट्री पर है गुलमोहर और कदम्बा ठीक है ये दो फ्लावर मैंने ट्री पर देखे हैं जिसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो गुलमोहर का कदम का तो गुलमोहर का जो ट्री किस तरीके का फ्लावर होता है मैं आपको शो करती हूँ वे तो ये देखिए एक बड़ा सा ट्री है जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स होता है आई होप कि आप सबने ये ट्री देखा ही होगा जिसे गुलमोहर कहा जाता है और ये कदम और कदम का जो ट्री होता है उसमें इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं गोल गोल होते एकदम बॉल की तरह लगते हैं पॉम्पी से तो ये कदम का ट्री है तो इस तरीके से कदम का फ्लावर और ये गुलमोहर फ्लावर होता है नो ग्रो ऑन बुश तो जो बुशिश में होते हैं फ्लावर्स जैसे बुश मीन्स गुच्छों में तो लाइक रोज मैरी गोल्ड ठीक है ये लिख सकते हैं ग्रो ऑन क्रीपर्स जो क्रीपर्स होते हैं तो उसमें लिख तो क्रीपर्स में मॉर्निंग ग्लोरी अपराजिता क्लिटोरिया भी फ्लावर लिख सकते हैं ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स तो वाटर प्लान्ट आप लिखेंगे आ, लोटस एंड वाटर लिली देन ब्लूम ओनली एट नाइट तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ब्लूम करते हैं नाइट में और मॉर्निंग में वो क्लोज हो जाते हैं देट इज़ जैसमिन और रजनीगंधा ब्लूम इन दी डे एंड क्लोज एट नाइट जो डे में ब्लूम करते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं तो उसमें सन फ्लावर जो डे में ब्लूम करते हैं नाइट में क्लोज होते हैं एंड uh, रात की रानी जिसे लोटस भी कहा जाता है रात की रानी जो फ्लावर है वो भी ब्लूम इन डे और क्लोज एट नाइट नाउ विच फ्लावर कैन यू रिकोगनाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आइज क्लोज ठीक है ऐसे कौन से फ्लावर्स है जिनकी परफ्यूम सेंट से आपको पता चलेगा कि हाँ ये ये फ्लावर है हमारी अगर आइज क्लोज भी होती है तो जैसे कि रोज मोगरा हम उसकी स्मेल से पता कर लेते हैं विच फ्लावर ब्लूम ऑल द ईयर राउंड तो रोज एंड मोगरा अगेन कि पूरे साल ये ब्लूम करते हैं एंड विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टन मंथ तो मैरी गोल्डन टूलिप ये फ्लावर्स जो हैं विंटर में ही ब्लूम करते हैं और फिर नहीं दिखते हैं पूरे साल तो इस तरीके से कुछ फ्लावर्स के नेम मतलब बताए गए हैं तो जो आपको लिखना है कि जो ब्लूम करते हैं नाइट डे मॉर्निंग और आर देयर एनी एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर फाइंड आउट एंड राइट अब आपको कुछ ऐसे प्लांट्स या ट्री के नेम बताने जिसपे आपको फ्लावर दिखाई नहीं देते इस तरीके से आई नो टू प्लांट्स लाइक मनी प्लांट एंड पाइन ट्री तो इन दोनों ही प्लांट्स पे ट्री पे फ्लावर्स आपको दिखाई नहीं देंगे तो डियर ये तो ब्लैंक्स जो मैंने बोल दिया है अभी इस तरह मैं आपको लिख देती हूँ और आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिएगा तो इस तरीके से देखिए ये सभी नेम्स आ गए हैं तो विद गुड हैंड राइटिंग Complete your work. Now next.